अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नाज कुकिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही टेस्टी और यम्मी रोज़ रोल अप आलू समोसा रेसिपी। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे स्टफिंग। तो जिसके लिए हमने एक बड़े साइज़ के आलू को ग्रेट करके रख लिया है। एक इंच के अदरक के टुकड़े को हमने बारीक बारीक ग्रेट कर लिया है और दो लहसुन के जवे को भी हमने ग्रेट कर लिया है और थोड़ी सी प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया भी हमने चॉप कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, सब चीज़ इसमें ऐड कर देते हैं। अदरक लहसुन को ग्रेट करके डालने से क्या होता है ना, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो आप चाहे तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं अदरक लहसुन का। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं, आधा छोटा चम्मच जाएगा ज़ीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच जाएगा कुटा हुआ धनिया और आधा छोटा चम्मच जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च और एक चौथाई चम्मच हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर, आधा छोटा चम्मच जाएगा इसमें चाट मसाला और आधा छोटा चम्मच जाएगा इसमें आमचूर पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पर आमचूर पाउडर के जगह नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं और हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करी है और अगर आप चाहें तो इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग बनके हमारी रेडी हो गई है। तब हम डो की ओर चलते हैं। डो हमने पहले से ही बना के रख लिया था क्योंकि हमने इसी डो से और भी स्नैक्स बनाए थे अफ्तारी में, तो उसी में से थोड़ा सा डो बच गया था। तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए रोज़ रोल अप समोसे भी बना लिए जाएं। नींबू की साइज़ की हम छोटे छोटे इसके गोले बना लेंगे और फिर हम इसकी पूड़ियाँ बेल लेंगे। अब हम सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसकी अच्छी तरह से गोल गोल पूड़ी बेल लेंगे हम इसकी। और ये हमारी 6 पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक पूड़ी लेंगे और उसे चारों तरफ से हम कट लगा लेंगे। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि बीच का पार्ट हमें छोड़ देना है, सिर्फ साइडों में ही हमें 4 कट लगाने हैं। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये आलू का जो होगा वो बॉल बना लेंगे छोटा सा, उसे हम बीच में रख देंगे। फिर अब हम एक पार्ट को उठा के उसके ऊपर बहुत ही आराम से धीरे से इसको कवर कर देंगे। फिर दूसरा पार्ट उठाएंगे और उसे भी ऐसे ही बहुत ही इजीली से कवर कर देंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, और धीरे धीरे टैप करेंगे। और फिर तीसरा उठाएंगे, उसको भी हम कवर कर देंगे और फिर लास्ट हम चौथा पार्ट भी उठा के उसको भी कवर कर देंगे। ये लीजिए, हमारा रोज़ रोल समोसा बन के रेडी हो गया है। तो अब हम ऐसे ही और भी सारे रोज़ रोल बना लेंगे। ये देखिए, हमारे रोज़ रोल बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब तेल गर्म होते ही हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। एक एक करके हम सारे इसमें डाल देंगे। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट तक के फ्राई होने देंगे। फिर अब इसे हम पीछे से टर्न कर देंगे और पीछे का भी हम इसे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। हमें इसे धीमी आंच पर ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक के अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्रेंड्स, ये बनके तैयार हो गए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारे रोज़ रोल अप समोसे बनके रेडी हो गए हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? इस रमज़ान इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने क्रंची बनते हैं ये। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा इसको। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।